यूट्यूब चैनल नाजिया किचन रेसिपीज। फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आज गाजर की खीर। गाजर हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि गाजर में पाया जाता है वाइटामिन ए, और वाइटामिन ए हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और इसमें पाया जाने वाला फॉस्फोरस भी माइंड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हमें गाजर जरूर खानी चाहिए। चाहे हम उसकी सब्जी बनाकर खाएं, हलवा बनाकर खाएं, या सलाद बनाकर खाएं, लेकिन गाजर हमें जरूर खानी चाहिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज गाजर की खीर। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। गाजर की खीर बनाने के लिए हमने 1/2 kg गाजर ली हैं, जिनको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये हमने 1/2 cup चावल लिया है। खीर बनाने से पहले चावल को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है, इससे खीर बनाते हुए चावल जल्दी गल जाएगा। ये हमने 1.5 liter दूध लिया है। आप यहाँ पर 1 से 2 liter दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 cup चीनी ली है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। इसमें हमने बादाम, नारियल और काजू लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सब्ज इलायची पाउडर है। हम 1/2 teaspoon सब्ज इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक वेसल लिया है जिसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं दूध को। गैस फ्लेम हमने यहाँ पर हाई रखी है क्योंकि दूध को एक उबाल देना है। दूध को उबाल आने लगा है तो गैस फ्लेम मीडियम कर देते हैं। स्पून की हेल्प से थोड़ा सा चलाएंगे और अब इसमें चावल ऐड कर देते हैं। दूध में चावल पकाते हुए गैस फ्लेम मीडियम रखनी है। चावल सॉफ्ट होने तक किसी तरह से पकाते रहें और स्पून की हेल्प से चलाते भी रहें, इससे चावल तली में नहीं लगेगा। ये देखिए, चावल तो सॉफ्ट हो गए हैं। अब स्पून को इस तरह से थोड़ा दबाकर चलाएं जिससे चावल दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, दूध और चावल काफी हद तक मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 teaspoon सब्ज इलायची पाउडर। थोड़ा सा चलाएंगे और अब इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। गाजर को भी मिक्स कर लेते हैं। खीर थोड़ी सी टाइट लग रही है तो हम यहाँ पर 1 cup दूध और ऐड कर दिया है। ये ऐड कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर 1/2 ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और 1/2 को हमने खीर पर ऊपर से डालने के लिए रख लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट खीर को अच्छे से पकाएंगे। इससे गाजर सॉफ्ट भी हो जाएंगी और चावल के साथ में मिक्स भी हो जाएंगी। ध्यान रहे, स्पून को इसी तरह से चलाते रहना है, इससे चावल नीचे लगेगा भी नहीं और गाजर और चावल अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। अब ऐड कर देते हैं चीनी। थोड़ा सा चलाएंगे। चीनी डालकर हम 5 से 6 मिनट इसको और पकाएंगे। चीनी भी तकरीबन मिक्स हो गई है। ये देखिए, बहुत ही मजेदार खीर बनकर तैयार है।
सर्दी के सीज़न में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म ये गाजर की खीर ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।